बिहार में बहार का मौसम खत्म होने वाला है। अब बिहार में बहार आएगी या नहीं, ये फैसला बिहार के मतदाताओं को करना है। लेकिन बिहार में बहार के आने और न आने के बीच कुछ मौसम वैज्ञानिक हैं, जो हवा के रुख का पता लगाने में जुटे हुए हैं। कुछ ने हवा का रुख पहले से ही भांप कर पाला बदल लिया है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ऐसे नेताओं की झड़ी लगने वाली है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टियों और गठबंधनों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके रुख को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी तक सभी दलों के विकल्प खुले हुए हैं। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा जारी है। राजद कह रही है कि वो तेजस्वी यादव के अलावा किसी और चेहरे पर समझौता नहीं कर सकती, जबकि जतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी बार बार गेंद कांग्रेस के पाले में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव महागठबंधन के रंग में भंग डालने की अलग खिचड़ी पका रहे हैं। इनकी खिचड़ी में कन्हैया का तड़का भी पड़ गया है। जहां तक एनडीए का सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव से पहले भाजपा को एनआरसी और एनपीआर पर विधानसभा में झटका दे चुके हैं। शायद उन्हें भी किसी अनहोनी का अंदेशा है, इसीलिए वो अपने दरवाजे इतनी जल्दी बंद करना नहीं चाहते। हालांकि भाजपा ने ये साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर तेजस्वी से उनकी मुलाकात के बाद भाजपा के कान खड़े हो गए हैं। वहीं गठबंधन से दिलचस्प खेल पाला बदलने वाले मौसम वैज्ञानिक नेताओं का है। हालांकि अभी इस खेल की रफ्तार धीमी है, लेकिन आने वाले दिनों में अवश्य ही इसमें तेजी आएगी। फिलहाल बात लालू यादव की पार्टी से शुरू करते हैं। लालू परिवार के झगड़े का असर उनके पारिवारिक रिश्तों के अलावा उनकी पार्टी पर भी पड़ा है। उनके समधी चंद्रिका राय राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो चुके हैं। ये माना जा रहा है कि वो तो चुनाव लड़ेंगे ही, साथ ही उनकी बेटी और लालू की बहू ऐश्वर्या राय भी जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। नागरिकता कानून पर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेने के कारण जदयू के दो नेताओं प्रशांत किशोर और पवन कुमार वर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया है। प्रशांत किशोर बाद बिहार के नाम से अपना अभियान शुरू कर चुके हैं। उनकी योजना एक नया राजनीतिक दल बनाने की है। जानकारों का कहना है कि जनता दल यू के एक विधायक महेश्वर यादव पाला बदलने वाले हैं। वे पिछले कुछ समय से राजद की तारीफें कर रहे हैं। जदयू के एक मुस्लिम विधायक और कुछ दूसरे मुस्लिम नेताओं के भी पाला बदलने की चर्चा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी कुछ नेताओं के नाराज होकर अपना पाला बदलने का अंदेशा है। बिहार चुनाव में अभी कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। पार्टियों ने अपनी तैयारी जोरों शोर से शुरू कर दी है। पाला बदलने वाले नेताओं की भी पहचान शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में पार्टियां ऐसे नेताओं की परेड कराकर हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अभी भी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।